सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, जिलाध्यक्ष बुलंदसर श्री विकास चौहान जी, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर श्री गजेंद्र मावी जी, मनोज गुप्ता जी, माननीय विधायक गण, लक्ष्मी राज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, जनार्दन भाटी जी, पंकज प्रधान जी, पूर्व मंत्री श्री मदन चौहान जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में सिकंदराबाद में उपस्थित गौतम बुद्ध लोकसभा सीट के सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कल मतदान होगा और दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर इस लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान करने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, आप आज एक नए भारत में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व तो बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता हैं उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थीं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी
और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी, जिसने आतंकवाद फैलाया न जम्मू कश्मीर में न केवल, बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए तीन तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहनों और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है, इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में, इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं, 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, मैं सीधे जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कोई बीमार होगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी, और इसलिए बीमारी के कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोझ न पड़ने पाए इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है, उपचार का खर्चा स्वयं वहन करने के लिए तैयार रहती है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए आवास, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में बिल्डर बायर की समस्या का समाधान करते हुए जिन लोगों के वर्षों वर्षों से मामले लंबित थे उन सब के मामले समाप्त कराते हुए हम लोगों ने आज बायर्स को उसका हक देना वहां प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, ये पहली बार हुआ है 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई।
ये पहली बार हुआ है। ये योजनाएं पहले भी चल सकती थी, लेकिन पहले देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र पहले है, और कांग्रेस सपा बसपा इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते। बहनों और भाइयों, ये जितना भी कार्य हुआ है, चाहे वह सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, निवेश का बेहतर माहौल हो, और कल आपने अयोध्या में देखा होगा 500 वर्षों के बाद रामलला को भी अपने जन्मोत्सव के आयोजन को अपनी जन्मभूमि पर मनाने का अवसर प्राप्त हो गया, और सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य की किरणों ने तिलक करते हुए अभिषेक करते हुए भी आपने देखा होगा, संपूर्ण सनातन भारत आलोकित हो रहा था, उस आभा से आलोकित हो रहा था। बहनों और भाइयों, ये जो सम्मान और गौरव है, ये सुरक्षा है, ये जो समृद्धि है, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और जो ये सम्मान भारत को मिल रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल और केवल किसी एक व्यक्ति को और किसी एक महामना को जाना चाहिए, वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी के नेतृत्व में यह सब हुआ है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत, इस नए भारत को विकसित भारत, और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से किसान के लिए आवश्यक है, डॉक्टर महेश शर्मा जी तीसरी बार यहां से सांसद बनकर के चुन करके जाएं। बहनों और भाइयों, जैसे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास की योजनाओं के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी या हमारे विधायक गण आए होंगे, आते हैं, लेकिन विकास की किसी चालू परियोजना में बैरियर बनने के लिए कभी भी उन्होंने अपने स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को उनके स्तर पर कभी नहीं उठाया जाता। उनके द्वारा हमेशा कहा जाता कि नहीं, विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि का जो दायित्व तो होता है वही उन लोगों ने अब तक किया है, और यही कारण है कि आज क्षेत्र देश का, दुनिया देश का, प्रदेश ही नहीं देश का सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की प्रति व्यक्ति आय, देश के प्रति व्यक्ति आय से सबसे अधिक में से एक, प्रत्येक जनपद की जो होती है उनमें से एक होने जा रही है, और इसीलिए हम लोग आए हैं कहने के लिए। क्या जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो मानक गौतम बुद्ध नगर बनेगा, स्टैंडर्ड गौतम बुद्ध नगर तय करेगा। अब पहले जो अन्य जनपदों से होती थी पहचान, उसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार के साथ साथ सांसद विधायक आपका है, इसका लाभ आपको प्राप्त होना ही होना है। और बहनों और भाइयों, इसका लाभ यहां पर आप सबको प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये अयोध्या में जो आपने देखा है सूर्यवंशी राम को
भगवान सूर्य भुवन भास्कर के किरण से उनका तिलक होते हुए देखा होगा आपने। तो यह कार्य क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग करते क्या, ये काम ये कर पाते क्या, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या, कश्मीर में धारा 370 ये लोग हटा पाते क्या, और बहनों और भाइयों तीन तलाक की कुप्रथा को ये लोग रोक पाते, ये लोग तो कर्फ्यू वाले लोग हैं, इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया, महीनों महीनों दंगा होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, आज हमारे प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है, आज तो शानदार तरीके से कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा अंतर स्पष्ट है, फर्क साफ है, वे दंगा कराते थे, हमने कहा भी नहीं, सामान्य प्रदेशवासियों के लिए अयोध्या में रामलला होंगे और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है कि यात्रा के रास्ते भी खुले होंगे। बहनों और भाइयों वे दंगा करा करके प्रदेश को अस्त व्यस्त करते थे, हम लोगों ने कहा नहीं भाई दंगा पॉलिसी नहीं चलेगी, विकास की पॉलिसी चलेगी, विकास की, और आज इसी विकास के लिए हम लोग आपके पास आए हैं, नौजवान की आजीविका के लिए, आम नागरिक की आस्था के लिए, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद बनकर के चुन करके जाएं, इसी के लिए अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों बड़े उद्देश्य के लिए हमें स्थानीय उन विवादों का समाधान करना होगा, चुनाव में लोग आएंगे, तमाम प्रकार के लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई क्षेत्र का सहारा लेगा, कोई तमाम अन्य सहारा लेगा, उस समय सबसे कहना कि भाई देखो चुनाव के बाद आ जाना, आज तो हमारे पास एक ही कार्य है और वह है एक राष्ट्रवादी और विकास परक सोच वाली हमें सरकार चाहिए, और सरकार केवल मोदी जी दे सकते हैं, वह केवल कमल के फूल से ही संभव हो पाएगा, हमें कमल के फूल के बारे में सोचना है, और कमल के फूल के लिए ही आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर सिकंदराबाद में मैं आया हूं। बहनों और भाइयों चुनाव के दौरान यह भी संभव नहीं हो सकता, बहुत बार होता है, हर व्यक्ति की अपेक्षा भी होती है कि प्रत्याशी हमारे द्वार में आ जाए, संभव नहीं होता, एक प्रत्याशी के लिए बहन और भाइयों 2000 से अधिक गांव होते हैं और 14 दिन का केवल चुनाव होता है, 14 दिन में इसी में संगठन की बैठक भी, इसी में व्यवस्था की तैयारी भी, इसी में बैग भी तैयार करने होते हैं, इसी में और भी तमाम कार्यक्रम होते हैं, सभाएं भी हो गई, और तब भी घर घर प्रत्याशी जाए यह संभव नहीं होता, 5 साल दौड़ाइए, 5 साल बुलाइए, चुनाव के दौरान बहनों और भाइयों आप सबको ही डॉक्टर महेश शर्मा बनना पड़ेगा, सबको, इसीलिए मैं अपील करने के लिए आपके पास आया हूं, और बहनों भाइयों इसीलिए घर घर जाकर के 26 अप्रैल तक चुनाव में कुछ गर्मी बढ़ेगी, और इसलिए बहनों और भाइयों मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मतदान पहले मतदान होना है, कल पहले चरण का होगा, दूसरे चरण में आपको मतदान करना है, और मतदान के लिए सर्दी गर्मी धूप किसी की भी परवाह के बगैर, लू की परवाह के बगैर हमारा प्रयास होना चाहिए, पहले 3 घंटे में ही 50% से अधिक मतदान हम अपने स्तर पर करवाने की तैयारी कर लें। सहमत हैं, सहमत हैं,
मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं, युवाओं की आजीविका को सुदृढ़ करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी को इसके लिए चुनाव जिता के भेजना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो कमल चुनाव चिन्ह पर घर घर जाने की का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। आप सब सहमत हो तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।